वहां पे जाकर उससे पूछना, वहां जाकर पूछना कि यहाँ पे जब ओम बिरला जी के कपड़े पुराने हो जाते थे तो उसको अल्ट्रेशन कराकर कौन फेरता था। आपको पता लग जाएगा जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे भाई, ओम की चड्डी, मेरी मोटरसाइकिल 8200, नेतागिरी कर रहा था, नोट कर लो। और हमसे कह रहा है कि हम करेंगे। अरे सिद्धांतों की बातें करने वाला, सिद्धांतों की बातें करने वाला पेट पर छुरा नहीं मारता। जिसने खाया है, जिसने खिलाया है, उस थाली में छेद नहीं करता किसी भी कोने से, किसी भी कोने से। अपने अपने अपना जो बात है ना, उसको दबाने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में कुछ भी होता है, चुनाव चुनाव के हिसाब से लड़ना चाहिए और चुनाव मतदाताओं का आदर सम्मान लेकर जीतना चाहिए। गुंडागर्दी से अब तो लड़ना होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है क्या भैया? पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है। मतदाताओं का मान सम्मान रखो, इन मतदाताओं से मांगो वोट, इन मतदाताओं का आदर करो। इनका मान सम्मान नहीं करोगे तो वोट कैसे देंगे? वोट उसको ही देता मतदाता, चाहे डाकू हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए। मतदाता किसी बाप का गुलाम नहीं होता है, मतदाता किसी बाप का गुलाम नहीं होता। और हिंदुस्तान का मतदाता तो इतना समझदार होता है, इतना समझदार होता है कि उसको सब पता है कि मेरे हित में कौन सा पक्ष है और मेरे अहित में कौन सा पक्ष है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे थे सिद्धांत की बात, मैं तो बता रहा हूं आम को। वो कह रहे हैं कि मेरे को जलील किया। अरे भाई, जलील किया, शाबाश। ओम बिरला वो आदमी था जिसने सामने वाले ने उसको बहुत गालियां 5 साल तक दी, फिर भी उसने अपने घर पर बिलाकर, अपने पास बिठाकर जा लड़ चुनाव। ये मैं दे रहा हूं, इतनी बड़ी छाती थी ओम बिरला की तो। और अरे अपनी छाती तो छोड़ी करो, यूं करके क्यों घूम रहे हो भैया? गाली देने से ओम बिरला के कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम बिरला जमीन पे पैदा हुआ है, जमीन पे रहता है, हवा में नहीं उड़ता। कोटा बूंदी लोकसभा सीट बनी हॉट भाजपा प्रत्याशी के पुराने कपड़े व चड्डी पहने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया हरिकृष्ण बिरला ने। कोटा नई मली राजस्थान में सियासी पार हाई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासी दलों में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। कोटा के कुन्हारी में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के भाई हरिकृष्ण बिरला ने कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर खरी खोटी। कोटा भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के भाई और कोटा सहकारी उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला ने कुन्हारी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर तंज कसते हुए कहा कि गुंजल ओम बिरला के पुराने अल्टरेशन किए हुए कपड़े पहनते थे। हरिकृष्ण बिरला ने कुल्हाड़ी मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में हरिकृष्ण बिरला प्रहलाद गुंजल पर बरसते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी मोटरसाइकिल को लेकर वो घूमते थे और वो आज हमसे सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सभा में हुंकार भरते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता विपक्षियों की ऐसी हालत कर जमीन में गाड़ देगा, आने वाले सालों में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हमारे पेट में छुरा घोंपा,
हरिकृष्ण बिरला ने प्रहलाद गुंजल पर तंज कसते हुए कहा कि आज वो सिद्धांतों की बात करते हैं। उन्होंने पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए, चुनाव में मतदाताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, हम सभी को मतदाताओं का मान सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओम बिरला वह व्यक्ति है जिसको सामने वाले ने बहुत गालियां दी, इसके बाद भी उन्होंने टिकट दिया और अपने घर बुलाकर चुनाव लड़ने के लिए कहा।